Hey guys, once again, we are back with another horror story tale. आज की ये जो कहानी है मुझे लिख दीजिए प्रशांत ने. सो थैंक यू वेरी मच प्रशांत फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस. अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रशांत की मम्मी इस घर में अकेली थी और ये घर उन्होंने हाल ही में किराए पर लिया था. इस घर में रह रहे इनके साथ ही कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने इस घर को छोड़ दिया था हाल ही में घटी इनके साथ कुछ भूतिया घटनाओं की वजह से. और अब इस घर में प्रशांत की मम्मी अकेली रह चुकी थी, जिन्होंने अपने सबसे छोटे वाले बेटे की अजीब एक्टिविटीज़ को नोटिस किया था. मानो ऐसा लगता था कि उनका सबसे छोटा वाला बेटा किसी अदृश्य ताकत के साथ वो खेल रहा है. अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद प्रशांत की मम्मी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी इस घर में रहते हुए. अब एक दिन प्रशांत की मम्मी घर के किसी काम से बाहर निकलती हैं, तभी घर के पड़ोस में रह रही एक आंटी से प्रशांत की मम्मी की बात होती है. और अब बातों में प्रशांत की मम्मी के साथ घटी इन सब घटनाओं के बारे में ये इन आंटी से बात करती हैं, ये सोचकर कि ये आंटी यहाँ काफ़ी लंबे टाइम से रह रही हैं और शायद इनको इस घर के बारे में कुछ पता होगा. अब जो बातें ये आंटी बताती हैं प्रशांत की मम्मी को, उससे मानो प्रशांत की मम्मी अंदर तक दहल जाती हैं, घबरा सी जाती हैं. वो बताती है कि जिस घर में तुम लोग रह रहे हो, उस घर के मकान मालिक ने अपनी पत्नी और 2 साल के छोटे से मासूम बच्चे को दहेज के चक्कर में बहुत बेरहमी से मारा था और इस हद तक मारा था कि मारते मारते उन लोगों की जान ले ली. और उसके बाद अक्सर उस औरत की आत्मा अपने पति को परेशान किया करती थी, जिसकी वजह से इस घर के मालिक ने इसको छोड़ दिया और खुद एक टूटे फूटे घर में जाकर रहने लगा. और अब ये आंटी प्रशांत की मम्मी को ये भी बताती हैं कि जब इस घर में कोई नहीं हुआ करता था तो अक्सर इस घर में एक औरत की चिल्लाने की, रोने की, बिलखने की आवाज़ें आया करती थीं. और इस घर में कोई भी किराएदार आता वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाता था. उन सभी किराएदारों का यही बताना था कि उन सभी को आधी रात में कुछ अजीब एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसे कि कोई बच्चा बहुत बुरी तरीके से आधी रात को रो रहा हो, या कोई औरत बहुत बुरी तरीके से दर्द में किरहा रही हो या बिलख रही हो. आंटी की ये बातें सुनकर प्रशांत की मम्मी मन ही मन सोचती हैं कितना निर्दयी इंसान होगा. अब आंटी प्रशांत की मम्मी को ये भी बोलती हैं, इस घर में कोई 2 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाया, लेकिन पता नहीं तुम लोग इतने लंबे समय से कैसे रह रहे हो. अब प्रशांत की मम्मी के साथ घटी इन सारी घटनाओं के बारे में प्रशांत की मम्मी ने इन आंटी से बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था और चुपचाप अपने काम के लिए आगे बढ़ गई. अब उसी रात प्रशांत की फैमिली खाना खा ही रही थी तभी प्रशांत की मम्मी प्रशांत के पापा को वो सारी आंटी से हुई बातें उन सब के बारे में बताती हैं कि कैसे कैसे इस घर के मालिक ने अपनी पत्नी और अपने बेटे को दहेज के लालच में आकर मार दिया था. अब ये सारी बातें सुनकर प्रशांत के पापा इस घर में सबको अनसेफ फील करते हैं. अब वो कर भी क्या सकते हैं, जैसे तैसे तो एक घर किराए पर मिला है तो वो इसी में रहते हैं और प्रशांत की मम्मी को किचन से सब्जी लाने के लिए बोलते हैं. अब जब प्रशांत की मम्मी किचन में सब्जी लेने के लिए जाती हैं तो वो क्या देखती हैं, किचन में खाने पीने का सामान और दूध के पैकेट इधर उधर फटे हुए पड़े हैं. अब इस घर में प्रशांत की फैमिली के साथ ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे थे जिससे इन लोगों को कंफर्म हो गया था कि इस घर में एक औरत और एक बच्ची की आत्मा भटक रही है. अब कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में हो रही इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ये लोग हैबिचुअल हो जाते हैं. हालांकि डर तो लग रहा था प्रशांत की फैमिली को इस घर में रहते हुए, लेकिन ये लोग कर भी क्या सकते थे, मजबूरी जो बन गई थी इन लोगों की. एक दिन तकरीबन रात के 11:15 के आसपास प्रशांत की फैमिली बाहर से डिनर करके लौट रही थी. अब जैसे ही ये लोग अपने घर की गली में पहुंचे, तकरीबन 10 मीटर की दूरी रही होगी इनके और इनके घर के बीच में, तभी प्रशांत की मम्मी प्रशांत के पापा को मजाक में बोलती है, वेलकम टू अवर हॉन्टेड हाउस. अब इतना बोलते ही होता क्या है, उस घर का दरवाज़ा जो मेन डोर था वो अपने आप खुल जाता है. अब ये देखकर प्रशांत की पूरी फैमिली अंदर तक हिल चुकी थी और प्रशांत की मम्मी प्रशांत के पापा के कान में डरते डरते हुए बोलती हैं,
देखो शायद यही वो आत्मा है जो हमारा वेलकम कर रही है इस दरवाजे को खोलकर। अब तभी उसी रात प्रशांत की मम्मी को वो पुरानी बातें धीमे धीमे समझ आने लगी थी। जैसे उस दिन घर के मालिक लाइट जाते ही घर में अंधेरा होते ही घर छोड़कर तुरंत क्यों भाग गए थे, शायद यही रीजन रहा होगा कि उस औरत की आत्मा उनसे बदला लेना चाहती हो।